गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस केरला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं, आज अपना जो चैप्टर चल रहा था नंबर एंड न्यूमरेशन, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। पेज नंबर बता देता हूँ आपको, पेज नंबर 17 है। 17 वाला काउंट रिवर्स वो अपन पढ़ेंगे। काउंट रिवर्स का मतलब होता है हमें पीछे की तरफ चलना है। काउंटिंग में हम आगे चलते थे, अब ये काउंटिंग कैसे है, पीछे चलने वाले। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स का मतलब बैकवर्ड। बैकवर्ड्स एंड फिल अप द मिसिंग नंबर एंड फिल अप द मिसिंग नंबर। ठीक है, तो पहला है, अब आपको बैकवर्ड का पता हो गया होगा। बैकवर्ड किसे कहते हैं, फोर। ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव एंड 4, 2, 6। अब देखो बैक काउंटिंग हो रही है, स्टार्ट तो हमारी हुई थी 432 से, यानी हमने काउंटिंग पढ़ी है 32। अब 32 के आगे ये 4 क्या है, 100 है, यानी 100 तक काउंटिंग होती है, फिर 100, फिर 200 की, फिर 300, ये 400 की काउंटिंग है। तो ठीक है, देखो यार 32 से बाद में आ गए 26, यानी काउंटिंग क्या हुई, पीछे चली। तो देखो 31 से पीछे जाएंगे तो 31, ठीक है, तो 4 का तो कोड लिखते रहेंगे सब में 4 पहले। ठीक है, पहला नंबर क्या आएगा, 4। अब देखो यहाँ 31 है, 32 है, तो 32 के पीछे क्या आएगा, 31। 31 के बैकवर्ड क्या होगा, 3030 के बैक जाएंगे तो 2929। 2929 के बैक क्या आएगा, 2828, और 2828 का 2737, और फिर 2626। तो ये हो गई बैकवर्ड। और इसको रीड कैसे करेंगे, आपको ये तो आता होगा 32 31 30 29 28 27 26, पर जो स्टार्टिंग वाला है 3 डिजिट का नंबर कैसे करते हैं, पहले वाला आता है वो उसको बोलते हैं 100 432 431 430 429 29। इसको ऐसे रीड करते हैं, तो आप पहले इसको बुक में फिल करें। पेज नंबर आपका है 17 पेज है, बैकवर्ड काउंट रिवर्स बैकवर्ड एंड फिल अप द मिसिंग नंबर। फिर है बी, ये केवल आपको क्या करना है, बुक में फिल करना है। किसमें करना है, बुक में। किसमें फिल करना है, केवल बुक में फिल करना है आपको। और जो मैं होमवर्क देता हूं वो होमवर्क आपको क्या करना है, नोटबुक में करना है। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन, आज जो है अपना 840। आप देखो ये पीछे वाला तो हमें आ रहा समझ में, 14 है, ठीक है, इसके आगे 8 है, तो इसको बोलते हैं 100। इस 8 के साथ में 100 बोलेंगे, 840। ठीक है, 814 है, और अब हमें कोई हिंट नहीं है। चलो मैं क्या करूंगा, 8 लिख दूंगा, पहले लिख दिया 8। आप बताओ 14 के पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 13। 813, फिर 8 वापस से बोलूंगा, 13 के एक कदम पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 12। ठीक है, लिख लिया, फिर 8 में वापस लिख लूंगा, 12 के एक कदम पीछे जाऊंगा तो क्या आएगा, 11। ठीक है, फिर 8 वापस लिख दिया, 11 के एक कदम वापस पीछे जाऊंगा तो मेरे पास आएगा 10। ठीक है, फिर 8 और वापस लिख दूंगा, 10 के एक कदम पीछे जाऊंगा तो आएगा 9। 9 नहीं लिखेंगे हमेशा, जो 1 से 9 तक है उसको हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं, कैसे, 09। ठीक है, और 10 क्या है, 0, इसीलिए।
अब जीरो नाइन के बाद, नाइन के बाद में क्या आता है, एट, जीरो एट। तो ये हो गई इसकी बैक काउंटिंग, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। ये आपको याद फिर कर ले बुक में। अब अपन लेते हैं सी वाला, सी वाला क्या है, तो सी क्वेश्चन है, इसमें 300, थ्री पहले वाला 300, फिर है 19, 319। इसको कैसे रीड करते हैं, जब थ्री डिजिट में कोई नंबर आता है तो ये वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड, 319। अब अपन क्या करेंगे, इसको बैक जाएंगे, बैक 19 से बैक जाएंगे तो 18 आएगा, फिर 18 के बैक जाएंगे तो 17 आएगा, 17 के बैक जाएंगे तो इसको रीड करते हुए देखो, 300, 19 का बैक क्या होगा, 18, 318, वापस 3 लिख लो। अब 18 का बैक साइड क्या, बैक नंबर क्या होता है, 17, बैक का मतलब उसके पीछे। अब 300 वापस लिख लो आप, 17 का बैक क्या होता है, 17 का बैक होता है 16, क्या होता है, बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है इसकी, 16, यहाँ लिख लेंगे 16, फिर अपन वापस इसको लिखेंगे 3 तो एज इट इज, 16 का बैकवर्ड क्या होगा, 15, अब हमें उस बॉक्स में क्या लिखना है, 15, तो 316, अब 16 का बैक क्या होगा, 15, ठीक है। अब 3 वापस लिख लो आप यहाँ पे, और 15 का बैक क्या होगा, 15 का बैक होगा 14, ठीक है। तो इसको रीड कैसे करेंगे, 314, अब 3 वापस लिखेंगे, 300 को तो वापस लिख लिया, अब 14 का बैक क्या होगा, 13। तो इस प्रकार अपन इसकी बैक काउंटिंग लिखेंगे, और इसको रीड कैसे करेंगे, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313। तो ये इसकी बैक काउंटिंग है, इसको करें आप। जो डी वाला है, डी वाला अपना है 712, ठीक है, इसमें ब्लैंक्स के बॉक्स है 3 to 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ठीक है। अब मैं है 712, अब हमें 12 से बैक जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 7 वापस लिख लूंगा। अब 12 का बैक क्या होगा, 11, ठीक है, फिर 7 वापस निकलेंगे, और 11 का बैक क्या होता है, 10, ठीक है। और जब भी 3 डिजिट हो तो आप 9 कैसे लिखेंगे, 09 लिखना है,
तो 7 का वापस 7, अब 10 का बैक क्या है 9, और 9 को कैसे लिखेंगे 09, ठीक है। फिर है 7 वापस लिखेंगे और 9 का बैक क्या होगा, 9 के बैक क्या आता है, बैकवर्ड क्या होता है 8, आप 7 वापस लिखेंगे, 8 का बैकवर्ड होता है 7, ठीक है। तो देखो 12, 11, 10, 9, 8, 0, 7 और 06, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, तो इसको रीड करने का ये मेथड होता है। जब भी थ्री डिजिट का नंबर आता है इसका मतलब वो 100 होता है, पहला वाला 100, बाकी वाले को एक साथ बोलो 712, 711, 710, 709, 708, 707, 706, तो इसको आप उतार ले अच्छी राइटिंग में। पहले आपको क्या करना है, बुक में उतारना है, पहले आपको क्या करना है, बुक में उतारना है। अब जो मैं देने जा रहा हूं वो अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन उतारना है, ये आपको क्वेश्चन उतारना है, किसमें उतारना है, नोटबुक में, और वहां लगाना है होमवर्क, होमवर्क लगाना है, ये क्वेश्चन उतारना है और ये बॉक्स बनाना है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बस आपको, और वो किसमें करना है, नोटबुक में करना है, अच्छी राइटिंग के साथ करना है आपको। तो आप अब मैं इरेज कर देता हूँ, ये आपने उतार लिया होगा, अब है आपको ई करना है 400, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 400 लिखना है, देखो 15 के बाद में 14 413 के बाद में 12 के बाद में 11 के बाद में 10 के बाद में ध्यान रखना 9 कैसे लिखोगे 09 409, ये आज होमवर्क है आपका, तो ये होमवर्क आपको करना है। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल फिर मिलेंगे अपन इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।